नमस्ते दोस्तों। दोस्तों हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए मोस्टली ट्रेन का सफर करते हैं। हम लोग ट्रेन से ही मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल करते हैं अपने लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए। और ट्रेन से ट्रैवल करना अच्छा भी इसलिए रहता है कि वहां पे सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होती है, चाहे फिर आप आपकी फैमिली ट्रिप कर रहे हो या फिर आपकी बिजनेस ट्रिप रहे। दोस्तों इसी के साथ IRCTC इन सुविधाओं के साथ ही IRCTC आपके लिए और एक सुविधा देती है जो कि बहुत ही खास है, जिसको रिटायर रूम कहा जाता है। दोस्तों हम लोग बहुत बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बाद रेस्टिंग के लिए, कुछ देर रुकने के लिए कोई लॉज या होटल का प्रबंध करने की व्यवस्था करने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बार 1-1.5-2 किलोमीटर स्टेशन से लेके आगे जाना पड़ता है और आपको होटल्स या लॉज ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन IRCTC की तरफ से या रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेशन पे ही आपको रिटायर रूम की सुविधा अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप हावरली बेसिस पे रह सकते हैं, जैसे कि 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 आवर्स का, मतलब 2 दिन के लिए मैक्सिमम आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और वह रिटायरिंग रूम स्टेशन पे होने की वजह से आपको ज़्यादा भागदौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको यहाँ से वहाँ आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको यह दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप IRCTC के रेलवे रिटायरिंग रूम अगर आप बुक करते हो तो। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यही देखने की कोशिश करेंगे कि IRCTC की रिटायर रूम किस प्रकार से होती है और उसकी वहां पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है और उसकी बुकिंग किस प्रकार से करनी है। तो वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आज का वीडियो अंत तक देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए देखते हैं कि रेलवे की रिटायर रूम कैसे होती है। हाल फिलहाल ही मैं आगरा ट्रिप के लिए गया था, तब मैंने रिटायर रूम बुक की थी जो कि ट्रिप मेरी फैमिली के साथ थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि रिटायर रूम किस प्रकार से होती है और वहाँ पे क्या टेरिप्स होते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग है आगरा में। रिटायरिंग रूम के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो यह है विश्राम गृह रिटायरिंग रूम। और अभी हम लोग है आगरा में। आगरा इज़ फेमस फॉर ताजमहल, तो अभी हम लोग ताजमहल देख के आए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने रिटायरिंग रूम में। तो ये यहाँ का रिसेप्शन है, ऑलरेडी हम लोगों ने चेक इन किया था आगरा में, आगरा कैंट, इसे हम लोग आगरा छावनी बोलते हैं। ये हमारा रूम है 102 102। बहुत से लोग पूछते हैं कि रिटायरिंग रूम कैसे होता है और चार्जेस वगैरह। तो बेसिकली आज हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया था मॉर्निंग। ये बाहर का एरिया है, आगरा स्टेशन के ऊपर ही जस्ट ईस्ट बना हुआ है। हम लोगों का ये 102 नंबर रूम है। रूम पे आते ही आपको यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ पे पूरा कबर्ड मिलता है। यहाँ पे ये पूरा एक ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, यहाँ पे सामान आपका लगेज रखने के लिए बहुत सारा स्पेस है। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह प्रोवाइडेड है, उसके साथ ही ये डबल बेड है, टीवी दिया है। हालांकि यहाँ पे टीवी पे केबल का कनेक्शन नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपका टीपॉय वगैरह है, 2 कुर्सी दिया है। देखा जाए तो वैसे रूम बहुत नीट एंड क्लीन है। ये हम लोगों ने एसी वाला रूम लिया था, थोड़ा सा इस प्रकार से है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी वॉशरूम वाला एरिया, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत गंदा होता है तो हम लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन IRCTC का जो है, रेलवे का जो है, सभी रूम, क्योंकि मैं बाकी भी बहुत सी रिटायरिंग रूम पे रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे वाटर हीटर है, कमोड यहाँ पे प्रोवाइडेड है, वॉश बेसिन है, पानी की मतलब अच्छी सुविधा है और नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा पूरा कमरा है। आप देख सकते हैं ये वाला, जैसे मैंने आपको बोला टीपॉय वगैरह है, यहाँ पे डबल बेड है,
डोर बेल है, दो लाइट्स है, मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ। इधर दो लाइट है, इस साइड पे ये दीवार पे दो लाइट है। तो एक प्रकार से आप बोले तो रिटायर रूम बहुत ही कन्वीनियंट होता है किसी के लिए भी, क्योंकि हम लोग स्टेशन से आते ही 2-3 घंटे का सफ़र होता है और आगे बढ़ना होता है। तो ये इस प्रकार से टेरिफ है, आवरली बेसिस पे रहता है रिटायर रूम का टेरिफ, 3 आवर 6 आवर 9 आवर 10 आवर 12 आवर 24 आवर 36 48 आवर, मैक्सिमम 48 आवर्स का रिटायरिंग रूम हम लोग ले सकते हैं। इसमें एसी से लेकर डॉर्मेटरी तक रूम होता है। तो हम लोगों ने जो रूम लिया था तो ये एसी वाला रूम था और हमने 9 आवर्स के लिए बुक किया था, तो हमें 1200 रुपया यहाँ पर किराया लगा। लेकिन रूम बहुत ही अच्छी है, सर्विस बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर ट्रेन नंबर, तो मतलब ये पूरा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। तो आप अगर स्टेशन पे हो 2-4 घंटे का 6 घंटे का या एक दूसरे दिन का अगर आपको रहने का प्रबंध करना है तो रिटायरमेंट रूम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों रिटायरमेंट रूम बुक करने के लिए IRCTC का वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। उसी के साथ मैं एक नया वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं IRCTC के द्वारा रिटायर रूम का बुकिंग कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो देखते रहिए वे ऑफ लाइफ ये यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।